बनारस से कचौड़ी, और हम बनाएंगे बड़ी कचौड़ी साथ में कद्दू और चने की सब्जी। बनारस की बड़ी कचौड़ी बनती है आटे से, तो मैं ले रहा हूं चक्की का पीसा हुआ मोटा आटा, और आटा है 350 ग्राम, और इसमें हम मिलाएंगे प्लेन आटा 150 ग्राम, तो टोटल 500 का हिसाब हो गया। अच्छे से मिक्स कीजिए। सो हम लेंगे पानी और हल्का हल्का छीटा मार के हम आटे को अच्छे से गूथेंगे। धीरे धीरे करके आटा गूथना है। घर में जैसे हम पूड़ी के लिए आटा का डो लगाते हैं, सेम उसी तरीके से लगा रहे हैं। पानी का छीटा मारते जाइए और धीरे धीरे, और आटा हमें ना ज़्यादा हार्ड लगाना है ना ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम आटा लगाना है। अब दोनों हाथों से गूथेंगे। देखिए आटा अच्छे से, और आप देख सकते हैं आटा हमने अच्छे से गूथ लिया है। अब हाथ में थोड़ा सा तेल या घी, जो भी आपको अच्छा लगे आप ऊपर से लगा दीजिए, और थोड़ा सा हल्का हल्का गूथ भी लीजिए। अब इसे हमें रेस्ट देना है कम से कम 25 मिनट से लेके आधा घंटा तक। अब लेते हैं एक पैन और मिलाते हैं इसमें पानी, और ये कटोरी पानी है, दरदरा सौंफ 2.5 चम्मच, और 1 चम्मच जीरा लेंगे, 1 चम्मच हींग, और अच्छे से हम चला लेंगे। और यहाँ पे हम डालते हैं ये 1.5 चम्मच नमक, अच्छे से चलाना है हमें, उबलने देते हैं। पानी हमारा अच्छे से उबल गया, फायर को बंद कर देते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, पानी को ठंडा होने देंगे फिर इस्तेमाल करेंगे। मेरे हाथ में है दाल का मोटा पिसा हुआ आटा, दरदरा है, और इसे बोलते हैं बेगर। का इस्तेमाल हम करेंगे पिट्ठी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ये 1 कप बेगर, वो पानी जिसमें हमने हींग जीरा और सौंफ को उबाला है उसे डालेंगे, और अच्छे से हमें गूथना है। अच्छे से फेंटिए और इसे हम ढक के छोड़ देंगे, ताकि ये जो बेगर और मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे तरीके से पानी को पिएगा, एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ा फूलेगा। और यहाँ पे हम डालेंगे 1 चुटकी मीठा सोडा भी। ये जो सोडा का इस्तेमाल हम करने वाले वह हेल्प करेगा बड़ी कचौड़ी को फूलने में। सोडा मिक्स हो रहा है और इसे अच्छे से मिला देंगे मिक्स करके, और इसे हम छोड़ देंगे और धीरे धीरे ये टाइट हो जाएगा। और अब हम बनाने जा रहे हैं आलू कोहड़ा और घुघनी की सब्जी। लोहे की कढ़ाई है और हम डाल रहे हैं सरसों का तेल, और तेल ले रहे हैं हम पूरे 100 ml, 30 दाने मेथी के, और इसे थोड़ा सा लाल होने देंगे। गैस के फ्लेम को कम रखिए। जैसे मेथी हमारा धीरे धीरे काला होने लगे, क्योंकि काला होने से मेथी का जो कड़वाहट है वो कम हो जाता है, आँच को हमें वापस से कम कर देना है, ध्यान रखिएगा। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, और 1 चम्मच राई भी, और साथ में 1/2 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच हींग का पाउडर, साथ में डालेंगे 1 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट कूटा हुआ है, अदरक, अदरक डाल दें 1.5 चम्मच, छोटा चम्मच है, अच्छे से चला लेंगे। डालते हैं 3 लाल मिर्ची तोड़ के, और इसे भी साथ में भूनेंगे। अब हम डाल रहे हैं 350 ग्राम कटा हुआ आलू, अच्छे से चला लीजिए। यहीं पे हम डालेंगे कोहड़ा, कोहड़ा यानी रेड पम्पकिन। कोहड़ा हम लोकल भाषा में बोलते हैं, इंग्लिश में रेड पम्पकिन हो गया, और हिंदी में लाल कद्दू। और यहाँ पे हम डाल देंगे नमक, हम नमक से आलू पक जाएगा अच्छे से, और कोहड़ा अपना थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगा। ढक्कन लगाते हैं और पकने देते हैं, बीच बीच में चलाना ना भूलें, हम चलाएंगे। बनारस की खूबी यह है कि वहाँ पे 12 महीने अलग अलग तरह की सब्जियाँ मिलती हैं, जैसा सीजन वैसी सब्जी आ जाती है वहाँ पे। लेकिन घुघनी जरूर होता है किसी किसी सब्जियों में। घुघनी को मिला के बनाया जाता है, आलू पालक बैगन के साथ घुघनी मिलाई जाती है, कद्दू के साथ घुघनी मिलाई जाती है, आलू और घुघनी की सब्जी बनती है, आलू घुघनी और बड़ी की सब्जी बनती है, बढ़िया भी फ्राई करके डाली जाती है। बड़ी दोनों तरह की होती है, सूखी हुई भी और फ्रेश बड़ी भी बना के डाली जाती है। बहुत ही अलग तरह का कल्चर है बनारस में, और एक पूरी गली है जिसको कचौड़ी गली बोला जाता है। वहाँ पे आप छोटी कचौड़ी बड़ी कचौड़ी हर तरह की कचौड़ियाँ मिलेंगी अलग अलग सब्जियों के साथ। ढक्कन हटाइए, अब बीच बीच में ढक्कन हिला के जरूर हिलाइएगा। अब आप देख सकते हैं कि कद्दू भी हल्का हल्का पानी छोड़ रहा है, और दोनों साथ में अच्छे से पक रहे हैं, और धीरे धीरे जो आपको देखने में बहुत भरा भरा कढ़ाई लग रहा था धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब मिलाते हैं धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, 1 चम्मच
धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच ही हल्दी। यहाँ पे हम मिलाएंगे 100 ग्राम घुगनी, और घुगनी को अच्छे से भिगो के रात में सुबह उबाल लीजिए। चलिए मिक्स करते हैं और अच्छे से हमें चलाना है। आज को अब हम स्लो कर रहे हैं और सब्जी को अच्छे से पकने देंगे, बीच बीच में चलाना है हमें। ढक्कन हटाते हैं, सब्जी को अच्छे से चला देते हैं। एक बार फिर से आलू को चेक कर लेते हैं। अब मिलाते हैं गर्म पानी। सो हमने टोटल जो पानी डाला है वो 600 ml डाला। एक उबाल आने देते हैं, उबाल आ गया, चला लीजिए। और यहाँ पे हम डालेंगे आमचूर पाउडर, और ये हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच चीनी, और चीनी हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच। अच्छे से चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और अब हमें स्लो आंच पे कम 10 से 12 मिनट तक पकने देना है सब्जी को। 10 मिनट का समय हो गया है, ढक्कन हटाते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी अच्छे तरीके से बन गई है। अब लास्ट में मैं डालूँगा 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, कटे हुए धनिया की जड़, और चला लेते हैं। और यहाँ पे हम मिलाएंगे देसी घी, 2 चम्मच देसी घी भी मिला रहे हैं। चलिए सब्जी हमारी रेडी है, पूड़ी का आटा लगा हुआ है, उसकी पिट्ठी बनी हुई है। आइए कचौड़ी भरते हैं और तलते हैं। और ये देखिए पिट्ठी जो हमने तैयार की थी वो हमारी अच्छे से बन गई है। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, इस साइज़ के हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे और इसे भरेंगे हम बड़ी कचौड़ी में। और इस तरीके से हमें छोटे छोटे गोले काट लेने हैं। आटा चेक कर लेते हैं अब, और इसे वापस से हमें एक बार गूंथ लेना है। अब हमें कचौड़ी के लिए आटे की गोलियां बना लेनी है और उसे बराबर भागों में बांट लेना है। और इस तरीके से हमें जो हमने गोले काटे हैं उसे रोल करके अच्छे से बीच में इस तरीके से गड्ढा कीजिए, और बीच में हम एक पिट्ठी डालेंगे और अच्छे से इसे रोल कर दीजिए। और इसी तरीके से हमें सारी कचौड़ियाँ गढ़ लेनी है। अब हम बेलते हैं कचौड़ी, और बनारस की कचौड़ी बेल के बनाई जाती है। तलते हैं कचौड़ी, और सबसे पहले हमें इसे दोनों साइड से पकाना होता है। जब इस तरह से फूलने लगे तो हम इसे बाहर निकाल लेना है, और इसके बाद हम इसे बाद में अच्छे तरीके से सुनहरा तलेंगे। चलिए निकाल के डालते हैं हम ट्रे में, और इसी तरीके से हमें सारी पूड़ियाँ तल लेनी है। तेल गर्म है और हम डालते हैं अपनी कचौड़ी, और इसी तरीके से हमें सारी कचौड़ियाँ तल लेनी है। बनारस की बड़ी कचौड़ी बनकर तैयार है। बनारस सुबह का शहर है, और आपको बनारस में सुबह सुबह कलेवा मिल जाएगा, कलेवा यानी ब्रेकफास्ट। इसी तरीके से पूड़ी सब्जी जलेबी पूरे बनारस में आपको गली गली कोने कोने में तलते हुए बनते हुए दिखेगा। और ऐसे ही हमें सारी कचौड़ियों को हाफ डन करके फिर फुल डन करना है, और जब कचौड़ी फूल जाए तो उसे पलट के दूसरे साइड से भी पका लेना है। आइए सर्व करते हैं बनारस की बड़ी कचौड़ी, आलू कोहड़ा और चने की सब्जी। और बड़ी कचौड़ी और साथ में गर्मा गर्म जलेबी। आपने रस के बारे में सुना होगा, और 11 रस होते हैं, और बनारस में आपको मिलेगा 12वां रस जिसे बोलते हैं स्वाद रस। भरपूर है यह कलेवा, आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, और हमारे चैनल को बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और इस कचौड़ी की एक खूबी ये भी है कि आप इसे प्रेस करेंगे और ये कचौड़ी अपने धीरे धीरे अपने स्थान को ले लेगी। और ये आप देखिए धीरे धीरे इसने स्थान अपना ले लिया। ये खूबी होती है बनारस की बड़ी कचौड़ी। उम्मीद करता हूँ आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को यूं ही लाइक करते रहिए,
और हम आपके लिए अलग अलग तरह की रेसिपियाँ लेके आते रहेंगे। रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेरी के लिए आप मेरे इंस्टा अकाउंट से अश्विनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।